आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की पसौती बनाया था वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था, आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहन और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान ने आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिनके मन में गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति, अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रति, जिनके मन में महिलाओं के उत्थान के प्रति एक पीड़ा है, एक संवेदना है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी खुशहाली और उनके उत्थान के लिए समर्पित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन आज आजमगढ़ की धरती पर हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का भारत पहचान के संकट से और विश्वास के संकट से जूझ रहा था। सुरक्षा का एक खतरा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा था। विकास कार्य कांग्रेस नेतृत्व सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी और गरीब कल्याण के नाम पर गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है, कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सुरक्षाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे, आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं।